यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सेल में आपको कॉलम्स के लिए लेटर्स दिए गए हैं, मतलब ये कौन सा कॉलम है, जे कॉलम है। बट अगर आप रोज की बात करेंगे तो उसको समझने के लिए ये कौन सी रो है, तो उसको नंबर्स दिए गए, ये रो नंबर 6 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 1 है। सही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन्होंने थोड़ा सा एक साइकी को समझा कि अगर हम इसको भी नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5, ऑल दो के इनके नंबर हैं, अगर हम बिहाइंड द सीन देखें तो ये कॉलम 1 है, ये रो 1 है, इनके भी नंबर है, लेकिन यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि यूजर के लिए आसानी पैदा की जाए, क्योंकि यूजर प्रोग्रामर नहीं है, यूजर एक इनिशियल यूजर है जो अभी ऑपरेटिंग सीख रहा है, तो वो कॉलम को नाम से पहचान ले और रो को नंबर से पहचान ले, और दोनों में एक वेरिएशन भी रहेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक सेल, उस सेल का नाम जो कॉलम का नाम है सी, और जो रो का नंबर है उसका कॉम्बिनेशन है, मतलब इस सेल का नाम क्या होगा जिसमें जावेद अहमद लिखा हुआ है, C5। इस सेल का नाम क्या होगा, इसका होगा P3। इसका क्या होगा, इसका होगा, ये मर्ज हुआ हुआ है तो ये सारे मर्ज होके फिर इसका रो नंबर 1 बनेगा। इस सेल का नाम क्या होगा, B9। सही है, ये बात समझ में आ गई। ओके, सेल के अंदर जो ये हम लिख रहे हैं 6 शाहजेब एजाज 98 67 और यहां कुछ और, इनमें मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज है। अ सेल हैज इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ डेटा। अब डेटा 3 किस्म से हमें रहता है, या तो डेटा नंबर की शक्ल में होगा, या डेटा कैरेक्टर की शक्ल का होगा, या डेटा इनका मिक्सचर होगा। मिक्सचर मींस जैसे कि ये जो कैरेक्टर और नंबर से मिलकर बनेगा। तो ये सेल की क्या है, वैल्यूज शाहजेब एजाज 98 87। लेकिन एक्सेल में सेल की वैल्यूज में फर्क भी है, कुछ सेल की वैल्यूज उनकी जाती होती है, जैसे इस पट्टी को हम कहते हैं फॉर्मूला बार। अगर हम इस फॉर्मूला बार पे देखें और मैं किसी सेल पर क्लिक करता हूं, तो मुझे अगर वही वैल्यू फॉर्मूला बार में नजर आती है, इट मींस कि इस सेल की वैल्यू इसकी जाती है, मतलब जाती से मतलब ये है कि इसमें ये डेटा मौजूद है। बट कुछ सेल्स पे अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर आपको वहां पे अजीब सा कुछ ऐसा नजर आता है, इक्वल टू सम D5:N5, इट मींस कि इस सेल की जो वैल्यू है वो इसमें टाइप नहीं की हुई और वो इसकी जाती नहीं है, बल्कि ये एक फॉर्मूला है जो इन दो सेल के दरमियान में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उस ऑपरेशन के रिजल्ट में हमें वो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात समझ में आ गई। तो सेल्स कैन कंटेन फॉर्मूला, सेल्स कैन कंटेन टेक्स्ट वैल्यूज, सेल कैन कंटेन नंबर वैल्यूज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, समझ में आ गई। अब आपको एक बंदे ने शीट दे दी असाइनमेंट के तौर पर, वो कह रहा है कि भाई ये शीट भी दे रहा हूं तुम्हें और ये मैंने स्कोर कार्ड भी बना के दे दिया। उसकी सिंपल रिक्वायरमेंट ये है, वो ये कह रहा है कि जब मैं यहाँ पर बच्चे का सीट नंबर डालूं, तो जैसे एंटर करूं तो उसका डेटा नीचे मुझे सारा मिल जाए। ये उसका आपके लिए सवाल है। आपने शीट डिजाइन नहीं करनी, आपने क्या नहीं करना, आपने ये स्कोर कार्ड डिजाइन नहीं करना, इट्स ऑलरेडी डिजाइन, ये पहले से बना हुआ है। एक शीट पर पूरी रिजल्ट शीट बनी हुई है और दूसरी शीट के ऊपर एक स्कोर कार्ड बना हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कनेक्ट देम एंड फेच डेटा फ्रॉम रिजल्ट कंपाइल्ड शीट। ठीक है, ये करना है आपने। ये बात समझ में आ रही है हमें करना क्या है? हाँ, समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। अब करना कैसे है ये हमें समझना है। देखें, जिस तरह अगर हमें कहा जाए कि यार ये वाला बोर्ड खोलना है, तो इसके लिए हमें कोई टूल चाहिए होगा। माइट बी के वो स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, प्लास हो सकता है। तो पहले हमें नो हाउ होनी चाहिए कि वो प्रॉपर टूल कौन सा होगा। लेट्स सपोज हमने आइडेंटिफाई किया वो एक स्क्रू ड्राइवर होगा। फिर जब हमने स्क्रू देखा तो स्क्रू 3-4 शक्ल के आते हैं। एक माइनस आते हैं, एक प्लस आते हैं, और एक आते हैं वो स्टेरिक के, जिसमें 6-8 कोने होते हैं। तो उसके मुताबिक का स्क्रू ड्राइवर प्रॉपरली हम डालेंगे, देन हम उसको स्क्रोल करेंगे तो ये नट खुल के भर आएगा। सिमिलरली जब हमें ये काम करना है, तो इसके लिए पहले तो हमें समझ में आना चाहिए करना क्या है, जो भी हमने समझ लिया। और अब हमें ये पता होना चाहिए
कि ये जो बेसिकली काम होगा किस टूल से होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप टूल से होगा, हालांकि मैंने गलती कर दी, आपको मैं और एक्सप्लोर करने देता। मैंने वी लुकअप कहा तो आप सबने वी लुकअप को फोकस किया, अगर मैं आपको बोलता भाई अपनी मर्जी से करना है तो माइट भी कि आप तीन चार और टूल यूज करके कहीं ना कहीं कर लेते ये काम, तो आप बाउंड हो गए इसमें। फिर मुझे बाद में ख्याल आया, मैंने चलो बोल दिया तो कर देंगे अभी देखेंगे। तो हम इसको कर रहे हैं वी लुकअप फंक्शन के जरिए। वी लुकअप फंक्शन कहाँ मिलेगा हमें? फॉर्मूला में जाके, लुकअप एंड रेफरेंस में जाके, यहाँ पे ये हमें फंक्शन मिलेगा। ये फंक्शन एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है और इसका नाम है वर्टिकल लुकअप। इसके चार हमें एलिमेंट्स मिलते हैं जो हमसे ये एक्वायर करता है। सबसे पहले कहता है कि मुझे बताओ कौन सी वैल्यू को चेक करना है। पहले हम जरा इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि वी लुकअप काम कैसे करता है। वी लुकअप का काम करने का तरीका यह है कि डेटा कलेक्शन में मौजूद है। मतलब कलेक्शन में कैसे मौजूद है? जैसे कि ये डेटा कलेक्शन में मौजूद है। जब भी वर्ड आएगा कलेक्शन, इट मीन्स के डेटा टेबुलर फॉर्म में है, रोज एंड कॉलम की शक्ल में है। ठीक है, कलेक्शन का मतलब होता है या तो वो इस तरह कलेक्शन में है मुख्तलिफ रोज में, या वो ऐसे कलेक्शन में है मुख्तलिफ कॉलम्स में, या फिर वो रोज एंड कॉलम्स में इस तरह से कलेक्शन है। कलेक्शन मीन्स बहुत सारे क्वांटिटी में डेटा है रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, सो वी लुकअप जब इसको हम यूज करते हैं तो पहले वो हमसे कहता है ये बताइए कि मुझे किसे कंपेयर करना है, कौन सी वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, कौन सी वैल्यू को कंपेयर करना है? अब वो हम बताएंगे कि भाई आपने दो को कंपेयर करना है, तीन को कंपेयर करना है, चार को कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है। यानी कि पहले हम उसको क्राइटेरिया बताएंगे, दैट्स कॉल्ड द क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया पहले डिसाइड होगा। ठीक, नंबर टू, फिर वो पूछता है टेबल एरे। देखिए मैंने कहा कलेक्शन, अब कलेक्शन में डेटा किस चीज में होगा? रोज एंड कॉलम्स में, और रोज एंड कॉलम से मिलकर क्या बनता है? टेबल। तो कहता है यार आप उस टेबल का रेफरेंस दें। रेफरेंस दो तरह से दे सकते हैं। एक रेफरेंस देने का तरीका ये हो सकता है कि मैं ऐसे सेलेक्ट करके रेफरेंस दूं। ठीक है, तो वो यहाँ पर A2 कॉलन Q23 जो भी उसके दरमियान में आए रोज एंड कॉलम्स A2 से लेकर, यहाँ पे कॉलन का साइन है, A2 से लेकर Q23 तक का डेटा का पूरा कलेक्शन सेलेक्ट कर लेगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसका एक नाम रख दूं। कैसे नाम रखेंगे अभी बताता हूं मैं आपको, और वो नाम यहाँ पे लिख दूं। ये सेकंड मेथड है इसका। ठीक है, पहला मेथड आपने समझ लिया कि वो होगा क्राइटेरिया, और जब क्राइटेरिया आप बता देंगे तो दूसरा पूछेगा मुझे इस कलेक्शन का नाम बताएं तो मैं उसमें सर्च करूंगा। लेट सपोज अगर आपने ये पूरा कलेक्शन बताया तो वो सर्च कहाँ करेगा क्राइटेरिया को? ऑलवेज ऑलवेज विद, इट गोज विद फर्स्ट कॉलम, ऑलवेज इट गोज विद फर्स्ट कॉलम। वो हमेशा उस कलेक्शन के पहले वाले कॉलम से कंपेयर करेगा, ना दूसरे से करेगा, ना तीसरे से करेगा, ना चौथे से करेगा, ना पांचवे से करेगा, पहले से करेगा। और जब वो कंपेयर हो जाएगा, अब कंपेयर होने में दो सूरतें होती है, या तो वो कंपेयर मतलब इक्वल इक्वल आ जाएगा, या वो नहीं आएगा। अगर आ जाएगा तो हमसे पूछेगा तीसरा सवाल कि भाई अब कंपेयर तो मैंने कर लिया, जो तुमने मुझे क्राइटेरिया बताया फाइव मैंने यहां से पिक किया और उसको इसके पहले कॉलम में यहाँ पे कंपेयर कर लिया और मुझे मिल गया। नाउ व्हाट यू वांट? आपने मुझे एक कलेक्शन बताया जिसमें टेबल के 13 कॉलम है। कितने कॉलम है? 13 कॉलम है। अब तुम कौन से कॉलम से डेटा चाहते हो? मिसाल के तौर पर मैंने कहा दूसरे कॉलम से, तो वो 5 के सेकंड कॉलम में आके उसके जस्ट बराबर वाली वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। रिटर्न, हमने उसको एक टास्क दिया, उसने हमें रिटर्न किया। अगर हम कहते हैं 3, तो वो जस्ट सेकंड एंड थर्ड वाले सेम रो के कॉलम से आपको डेटा रिटर्न करेगा। एंड देन फोर्थ, तो फिर यहां से करेगा 5, 6, 7, 8, जो बताएंगे वो आपको डेटा देता जाएगा। अब चौथा सवाल है, वो आपसे पूछता है मैचिंग टाइप। क्या मैचिंग टाइप? मैंने आपको मिसाल दी थी कि हम मैच दो तरह से करते हैं। एक हम करते हैं 18-20, 90-20, 19-20, 18-20 करके, और एक करते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या होता है? पीला है तो पीला ही चाहिए, लाल है तो लाल ही चाहिए, और नियर टू क्लोज क्या होता है? मतलब मेहरून कलर था, मेहरून कलर का कंट्रास्ट बन रहा है, लाइट मेहरून, डार्क मेहरून, लाइट रेड, डार्क रेड, ये इसको कंपेयर हो गया। जब नंबर में मैच की बात करते हैं तो 5
इज इक्वल टू 5, दैट इज परफेक्ट मैच. अब नियर टू क्लोज क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एक मैचिंग, हाँ मिसाल के तौर पे एक मैचिंग क्राइटेरिया 5 है और दूसरा मैचिंग क्राइटेरिया 10 है, तो नियर टू क्लोज में होगा कि 5 से लेके 9 तक के जितने नंबर हैं वो 5 की कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, और जैसे 10 आएगा तो 10 10 से बिलोंग करेगा, और अगला क्राइटेरिया 20 है तो 10 से लेके 19 तक के जितने नंबर होंगे वो 10 कैटेगरी में बिलोंग करेंगे इस नियर टू क्लोज, ठीक है. लेकिन हमें यहाँ पे इक्वल इक्वल रखना है. तो अब देखें इसको अभी हम परफॉर्म करके देखते हैं और अब आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो कलेक्शन टेबल है जितने हिस्से में हमारा काम हुआ हुआ है उतने हिस्से को हमने ऐसे सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके उतने हिस्से को हमने एक दाम दे देना है. याद रखें मैंने सिलेक्ट ऊपर से नहीं किया है, पहले रिकॉर्ड से सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये हमारे लिए यूज टू नहीं है, यूजलेस है. फॉर्मूला में जाके जैसे ही डिफाइंड नेम पे क्लिक करेंगे तो इसको हमने एक नाम दे देना है, व्हाटएवर जो भी नाम दे दें, माई डेटा, योर डेटा, स्कूल डेटा, स्टूडेंट डेटा, मैट्रिक डेटा, व्हाटएवर जो भी, इसका नाम दे दिया मैंने एक्स डेटा, ठीक है. बट नाम मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर, ठीक है ना, विदाउट स्पेस, विदाउट नंबर, ठीक है, ओके कर देंगे. ये नाम इसका डिफाइन हो गया. अब मुझे, अच्छा ये कह रहा है ये पहले से नाम मौजूद है, कोई और नाम दे लें, तो मैं इसको और कोई नाम दे देता हूँ, वाई डेटा दे देता हूँ नाम, तो ये असाइन हो गया, ठीक है. नेम, अब यहाँ पे जाके अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करो, बस हमें ये बताना है क्लिक नेम बॉक्स में जाएंगे और देखें वाई डेटा पे क्लिक करेंगे, इट मीन्स कि हम बता रहे हैं कि वहां से लेके यहाँ तक का दाम ये है और उसमें ये ऑलरेडी शामिल हो गए 13 कॉलम और तकरीबन जितनी भी रोज थी 20 25 50 60 70 80 नौ भी रोज, ओके ठीक है, ये समझ में आ गई बात, ये अच्छे तरीके से सही. तो अब हम जाएंगे यहाँ पर, इधर आएंगे स्कोर कार्ड पर, स्कोर कार्ड एक दूसरी शीट है उस पर आ गए. अब यहाँ पर एक मसला आता है कि जब हम इस चीज को लिख रहे होंगे तो यहाँ पर इस सेल का नाम क्या है, आप हैरान हो जाएंगे इस सेल का नाम क्या दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला में सीरियल, जबकि इस सेल का नाम क्या दिखा रहा है N2. अभी तो सर ने बताया था कि इसका नाम N और 2, इसका सीरियल कैसे हो गया नाम, इसका सीरियल नाम ऐसा हो गया कि हमने डिफाइन करा है. अब मैं इसको खत्म करता हूँ, कैसे करूंगा, फॉर्मूला पर जाएंगे, नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे सीरियल नाम डिफाइन होगा वहां पे क्लिक करके हम उसको डिलीट करेंगे और इसको ओके कर देंगे. जैसे ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, तो अब देखिए इस सेल का जो ओरिजिनल नाम है वो यहाँ पे बता रहा है जो कि M5 है, ठीक है, ये क्लियर हो गई बात. अब हम फॉर्मूला लगाने से पहले एक वैल्यू यहाँ पे सेट कर देते हैं. लेट सपोज मैंने यहाँ पे 1 सेट कर दिया, 1 इज मैचिंग वैल्यू दैट आर एग्जिट दैट इज एग्जिस्ट इन कंपाइल्ड रिजल्ट कंपाइल शीट, इधर मैंने जान करके लिखा है 1, क्योंकि 1 मौजूद है तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया ताकि पहला रिजल्ट मुझे आ जाए. अब इस 1 को कंपेयर करना है उस टेबल के पहले कॉलम के 1 से और उसके दूसरे कॉलम से हमें यहाँ डेटा लेकर आना है जिसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट का नाम, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम यहाँ जाएंगे ऊपर और यहाँ जाने के बाद क्लिक करेंगे कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से लिखिए वर्टिकल लुकअप. लॉन्च करने के बाद ये हमसे पूछेगा व्हाट इज योर क्राइटेरिया, माय क्राइटेरिया इज दिस सेल नेम्ड M5 विच कंटेंट वैल्यू 1, ओके समझ में आ गई बात. ये तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया, इट्स नीड टू बी चेक, वही ठीक है इसको चेक तो करूं, पर वेयर, हम कहेंगे भाई चेक करो किसमें, क्या नाम रखा हमने उसका, आप बताइए, y data. तो वो कहां से लेंगे नाम, या तो टाइप कर दो, टाइप नहीं कर सकते तो फॉर्मूला में जाएंगे और यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे, सारे नाम मिल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से हम ले लेंगे y data, ओके. तो ये ऑटोमेटिकली उसके पहले कॉलम से चेक करेगा, देखिए मैच भी हो रहा है यहाँ पे, डेटा आ रहा है ना, मैच भी हो रहा है, 1-1 से मैच हो रहा है, क्लिक करेंगे. अब कह रहा है कि जब ये मैच हो जाए तो मैं तुम्हें कौन से कॉलम से रिजल्ट दूं, तो मैंने कहा पहले पे तो मैच कर रहे हैं, दूसरे कॉलम से रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑलवेज राइट 2, क्योंकि हमें दूसरे कॉलम से रिजल्ट चाहिए, और यहाँ पे मैचिंग क्राइटेरिया में बताएंगे 0, 0 मीन्स फॉल्स, मीन्स इक्वल इक्वल मैच करना है, नियर टू क्लोज नहीं करना. हाँ अगर नियर टू क्लोज करना होता तो हम खाली भी छोड़ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये नियर टू क्लोज कर रहा था, वरना कोई भी नंबर डाल दें 1 ट्रू जो भी होगा वो नियर टू क्लोज करेगा, इसलिए हम 0 कर रहे हैं. एंड देन ओके करेंगे तो रिजल्ट आ गया, ठीक है. यहाँ तक काम करीना का सही हो रहा था, अब करीना कह रही थी मैं जब यहाँ 2 डाल रही हूँ तो दूसरे का नंबर आ रहा था, ये सब हो रहा था ना, लेकिन नीचे वाले नहीं आ रहे थे. अच्छा इसके नीचे वाला काम इशिता का सही हो रहा था, सही है इशिता का ये वाला काम, तीनों सही हो रहे थे. अच्छा अच्छा चले सही है. अच्छा अब हमें यहाँ पे तीसरे कॉलम से रिजल्ट चाहिए, अब क्या होगा कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करें, कैसे करेंगे, लुकअप एंड रेफरेंस जाएंगे, वर्टिकल लुकअप पे क्लिक करेंगे और फिर हम दोबारा से कहेंगे ये हमारा क्राइटेरिया है,
और ये हमारा जो है वो कलेक्शन का नाम है, और अब हमें रिजल्ट तीसरे कॉलम से चाहिए, और यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो करेंगे एंड देन ओके करेंगे, तो अब उसके फादर का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का चेंज होने लग जाएगा, टू पे टू का आएगा, थ्री पे थ्री का आएगा, इस तरह से काम होने लग जाएगा, ठीक है, सही हो रहा है। और फिर यही इस वाइस वर्सा सब पे करेंगे। एक और तरीका हो सकता है कि हम इसको यहाँ से कॉपी करें कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे करें कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट तो हो जाएगा लेकिन विद फॉर्मेट पेस्ट होगा। इस चीज को कंट्रोल करने का तरीका ये कि मैं फॉर्मेट के साथ पेस्ट नहीं करना चाह रहा, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो देखिए एक्सेल में ही फीचर है कंट्रोल सी मीन कॉपी, अगर आप यहाँ से कॉपी नहीं करते तो होम में जाएं, यहाँ से क्लिक करें कॉपी, और यहाँ पे जब पेस्ट करने लगे तो उस सेल को सिलेक्ट करके नीचे ये पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा होगा फॉर्मूला। क्या ऑप्शन आ रहा है? फॉर्मूला। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फॉर्मूला के ऊपर, तो यहाँ पे एन ए मतलब ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, आने दें, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला कह रहा है वी लुकअप N7, दिस इज द क्राइटेरिया, अब जो कि गलत है, और वाई डेटा कलेक्शन का नाम है जो कि बिल्कुल सही है, और तीसरे कॉलम का डेटा नहीं चाहिए हमें, कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, चौथे कॉलम का चाहिए, यहीं पे एडिट कर देंगे, और जीरो इज द मैचिंग टाइप। N7 क्यों गलत आ रहा है भाई? क्राइटेरिया में N7 को चेक नहीं करना, क्राइटेरिया में चेक करना है हमें इसको जो कि M5 है, जैसे करेक्ट करेंगे तो आपके पास चौथे कॉलम का डेटा आ जाएगा, सही है। सबके अलग अलग करेंगे, अब जो सर ये तो हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, अब इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे? एक फंक्शन है जिसका नाम है रो, क्या नाम है ये अलग से समझेंगे। इस ये फंक्शन क्या काम करता है, ये हमें मिलता है फॉर्मूला के अंदर, और जैसे ही हम इसको फंक्शन को लेते हैं लुकअप एंड रेफरेंस में से, तो यहाँ पर हमें मिलता है रो फंक्शन। इस फंक्शन को जब हम रन करते हैं तो ये फंक्शन रन होता है और ये हमसे रेफरेंस पूछता है, हम रेफरेंस नहीं देते, ओके कर देते हैं, तो ये एक हमें नंबर रिटर्न करता है। वॉट इज दैट नंबर? ये नंबर क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, अभी एक मिनट इसको ऑफ करता हूँ। ये नंबर कोई नई चीज नहीं है, ये बेसिकली जो नंबर रिटर्न कर रहा है ये एक रो का नंबर है। कौन सी रो का नंबर है? ठीक है, जिस रो पर आपने ये फंक्शन अप्लाई किया है ये उसी की रो का नंबर है जो कि विच इज 7। अगर आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे नीचे तो ये 8 प्रोड्यूस करेगा, अगर ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये 6 प्रोड्यूस करेगा, सही है ना। जिस रो पर आप ये फंक्शन लगाएंगे उस रो का ये आपको क्या रिटर्न करेगा? नंबर रिटर्न करेगा, सही है। तो जब ड्रैग कर रहे हैं तो ये उसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता जा रहा है, क्योंकि रो ऊपर जाएंगे तो कम होंगे, नीचे जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी। ओके, इसके साथ साथ अगर हम इस फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रो फंक्शन को हम लगा रहे हैं, तो रो फंक्शन को लगाते वक्त ये एक रेफरेंस भी पूछ रहा है। इस रेफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज ये रो नंबर था 9, देख रहे हैं कौन सा रो नंबर है ये, 9 रो नंबर है ये, देख लें यहाँ पे दिख रहा है ये रो नंबर 9 है, तो मैं अगर ओके कर दूंगा तो ये 9 नंबर रिटर्न करेगा मुझे, इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? हाँ जी शरीफ, हाँ रॉन्ग, ठीक है, हाँ कशिश सही भाई, जिस रो पे हम ये फंक्शन लगाएंगे ये उसी का नंबर रिटर्न करेगा ना, ये देखिए ना, समझ में आ रही है। ओके, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये रो फंक्शन लगा रहा हूं यहां पर, और यहां पर ये रो नंबर 10 है, बट आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 1, तो मुझे क्या करना होगा कि ये 1 रिटर्न करे, मुझे पता है ये 10 रिटर्न करेगा, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूं 1 से, वहां रख देंगे अपना कर्सर, देख दो चलो उसका रेफरेंस देंगे तो वो तो नहीं, उसका रेफरेंस देंगे, चलो एक मिनट करके देखते हैं, सही है, उसका रेफरेंस दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करता जाएगा, सही है, समझ में आ गई बात। ये तो क्या हुआ कि रो फंक्शन जिस रो पे लग रहा था उसका रो नंबर रिटर्न कर रहा था, पर रेफरेंस में जिस रो का हमने रेफरेंस दिया उसने वहां से वो रेफरेंस लेके और वो नंबर यहाँ पे जनरेट कर दिया, सही है, और अब ये कंटिन्यूस हो गया। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि आप जब इसको लगा रहे हैं तो इसके रेफरेंस में जब आप इस फंक्शन को लगा रहे होते हैं रो, तो इसको ओके कर दें और इसको रेफरेंस को खाली छोड़ दें, और इसको यहाँ पे जब फंक्शन को आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन नजर आएगा। इस फंक्शन की निशानी ये होती है जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी में फंक्शन यूज करते हैं उसके आगे दो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, तो उसके बाहर अगर आप उतने नंबर कम कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 नंबर रो है और मुझे 1 चाहिए, तो माइनस अगर 9 कॉन्स्टेंट लिख देंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा 1, और जैसे जैसे हम इसको ड्रैग करते जाएंगे
तो 11 पे ये देगा 2, क्योंकि ऑलवेज कॉन्स्टेंटली 9 माइनस होता जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, एक तरीका करीना ने बताया और एक तरीका हमने ये वाला भी सीख लिया। सही है, दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्स्टेंट नंबर और एक होता है वेरिएबल। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में ये फर्क है, कॉन्स्टेंट ऑलवेज रिमेन सेम और वेरिएबल क्या होता है, अपडेटेबल होता है, डायनामिक होता है। ओके, अब आते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। अगर हम फॉर्मूले में देखें, इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सटेंड करें, सही नजर आ रहा है सबको? ठीक है, ओके, आपको सही नजर आ रहा है? ओके, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम और बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला हमें डेमोन्स्ट्रेट क्या कर रहा है, फॉर्मूला हमें बता रहा है कि भाई ये करो, ये एम फाइव है जो रेफरेंस है इस क्राइटेरिया का, भाई ये वाई डेटा है जो कलेक्शन का नाम है, और ये चौथा कॉलम है जो इस कलेक्शन का चौथा कॉलम है जहां से मैं डेटा लेकर आ रहा हूँ। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो इसमें कौन कौन सी चीजें अपडेट होंगी और कौन सी चीजें कॉन्स्टेंट रहने वाली है? हाँ वही, मतलब ये वाला नंबर चेंज होगा, एक्सेलेंट। जयश्री ने बिल्कुल सही जवाब दिया, जब मैं ड्रैग करूंगा तो एम फाइव कन्वर्ट हो जाएगा एम सिक्स में, एम सेवन में, एम एट में, एम नाइन में। हाँ, इट मींस के वेरिएबल है, सेल्स सारे वेरिएबल है। ओके, और वाई डेटा रिमेन सेम, ये नेम कांस्टेंट है, ये नेम कांस्टेंट है। ओके, ये आ गया फोर, ये लिटिल कांस्टेंट है, नंबर कांस्टेंट है, इसको कहते हैं लिटिल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी सेम रहेगा, और ये जीरो भी लिटिल कांस्टेंट है, ये भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, इसको करने की जरूरत है फिक्स, लेकिन इसकी क्या चीज फिक्स करने की जरूरत है, कॉलम को या रो को, कि जब मैं इसको ड्रैग करूं तो ये फाइव सेम रहे, क्योंकि तो यहाँ पे डॉलर लगा देंगे, तो अब जब ड्रैग करेंगे तो ये फाइव चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ, इसको नेम कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा ये तो सेट है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है वेरिएबल में, क्योंकि अगर ये चार रहेगा तो सारे चार चौथे कॉलम का डेटा आएगा ना, इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे सोचे, कि जब मैं ड्रैग करूं तो ये पांच हो जाए, फिर छह हो जाए, फिर सात हो जाए, फिर आठ हो जाए, फिर नौ हो जाए, फिर दस हो जाए, ऐसे तेरह के तेरह। हाँ, अब किसी फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन यूज करते हैं तो इक्वल नहीं लगाते, उसको डायरेक्टली टाइप करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें कौन सा नंबर चाहिए, चार, लेकिन रो है हमारी नौ, वेरी गुड, माइनस फाइव कर देंगे तो यहाँ फोर आ जाएगा, और हम इसको एंटर करेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे नीचे, तो ये सारे कॉलम का डेटा रीड करके लेगा, सिर्फ परसेंट को इस तरह से दिखाएगा, तो इसको हम क्लिक करके परसेंट पे क्लिक कर देंगे, ये लीजिए इसका सारा डेटा आपके सामने आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ लिखेंगे फोर, तो ये पूरी रो रीड करके ले आएगा उस कलेक्शन की और यहाँ पे इस तरह से लिख देगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे फाइव, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि इसको अगर आप ऐसे फिक्स नहीं करते तो इसको नेम कांस्टेंट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेरी सिंपल, आप इसको भी एक नाम दे दें, क्लिक करें इसके ऊपर, फॉर्मूला में जाएं और डिफाइन नेम पे क्लिक करके इसको नाम दे दें, एस एन ओ स्टार्ट फिर विद लेटर्स विदाउट स्पेस विदाउट नंबर, ये नया तरीका, सीरियल दे दें, सीरियल एन ओ दे दें, ओके कर दें, अभी इसका नाम हो गया। अब जब फॉर्मूले में आप जब भी रेफरेंस देंगे, जब भी फॉर्मूले में इसका रेफरेंस देंगे, तो अब यहाँ पर सेल का नाम नहीं आएगा बल्कि नेम कांस्टेंट आएगा, और जब उसको आप ड्रैग करेंगे तो ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये आपका बन गया, पूरी पूरी रोज यहां से रीड करके जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करना भी आसान है, प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे अपना पूरा कार्ड और इसको सिलेक्ट करके कहेंगे पेज लेआउट, और यहां से कहेंगे प्रिंट एरिया और कहेंगे सेट प्रिंट एरिया। जैसे ही आप प्रिंट की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल पी या फिर फाइल में जाके क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर, तो आपको ये कार्ड यहाँ पे पूरा पेज पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे प्रिंट की कमांड देंगे यहाँ से अपना प्रिंटर चूज करके, तो फिर वही शीट पर ये कार्ड पूरा प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये इस तरीके से आप अपने डेटा को